स्वागत है आप सभी के फिर से एक बारी वेबो ब्लॉग से चैनल पर। बहुत दिन बाद मैं आज लौटा हूँ आप लोगों के सामने, कैमरे के सामने, आप सभी के पास। यहाँ अप्रॉक्स 20 से 25 दिन हो गए थे मेरा कोई ब्लॉग नहीं आया, मैं बिल्कुल भी अपडेट नहीं था। उसके रीजन से बहुत सारे, मतलब एक तो हमारा सीजन का टाइम चल रहा है, थोड़ा सा शेड्यूल बिजी चल रहा था काम वाम को लेकर, टूरिंग ऑफिस एंड ऑल ये सब, और फिर आरती की शादी आ गई, उसको भी भगाया। देन तबीयत वगैरह भी उस टाइम बहुत ज्यादा खराब थी, तो फिर मैंने सोचा सारा काम से फ्री होने के बाद ही ब्लॉग करेंगे स्टार्ट रेगुलर। अभी तो आज हम जा रहे हैं उजानी से भी आगे, मतलब बरेली के आसपास, वहां मेरी कजिन की शादी है, तो आज हम निकल रहे हैं वहां पर। और डेट है आज 12th फेब और टाइम हो रहा है अभी एक बज गया है, हम लोग निकल रहे हैं। मैं, शुभम, मोहित अपन तीनों जा रहे हैं, बहुत मजा आएगा। और हाँ, मैं रेगुलर अपडेट रहूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। बहुत प्यारे प्यारे ब्लॉग जाएंगे धीरे 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 धीरे। और महाशिवरात्रि में बहुत ही बड़ी चीज आने वाली, बहुत धमाकेदार आने वाला है सच में। आप लोग बने रहना, प्यार दिखाना हमेशा, एज ऑलवेज और फॉर ऑलवेज साथ रहना बस भाई। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, एक बज गया है, पहुंचने में भी हमको लगभग 7 बज जाएंगे लगभग। रोड्स कैसी है डिपेंड करता है वहां, मतलब रोड्स पर डिपेंड करता है रोड्स कैसी है, तभी गाड़ी उस स्पीड, मतलब उस स्पीड के अकॉर्डिंग चलेगी। तो निकलने का टाइम है, निकलते हैं। बाकी की सारी बातें मैं वहां पहुंच के करूंगा, कुछ बातें आपको बतानी है, तो मिलते हैं वहां। हमने बहुत टाइम बाद वैगनआर से ट्रिप मारी है, जेस्ट हमने भेज दी, उसकी बहुत याद आती थी हमको, उसी की याद में हम लोगों ने वैगनआर निकाली है। बहुत मजा आ रहा है वैगनआर चला के हमको, हम बहुत लंबी ट्रिप मारने वाले हैं हमारे, अब 7-8 हजार किलोमीटर की ट्रिप होने वाली है। 7-8 हजार की किलोमीटर की ट्रिप, 7-8 हजार किलोमीटर की ट्रिप होने वाली है हमारी। ये हम लोग यही अपना बगल तक खुजाने तक जा रहे थे, अपना यही अपना 200 किलोमीटर था। तो गाइस हमने खाना वाना खा लिया था, आप लोग कष्ट ना करें अपने अपने घर में, जो भी मथुरा से मेरे फैंस। बहुत मजा आ रहा है, जोर से ज्यादा मजा आ रहा है, बहुत, मतलब हद से ज्यादा मजा आ रहा है, मतलब नहीं हद से, उसकी हद ही नहीं है जब मजे आते हैं। तो गाइस ये मैं अब चला गया कचौड़ी खाने, साले को भूख भी लगी आई है, पता नहीं क्या गंद खाने चला गया है। तो आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ भाई, जोरदार पकौड़ा है। कैसा पकौड़ा लगा फिर? वो गंदी खाने की आदत है, पनीर खाएगा ना? तू ही बोल, तू ही खा। ट्रेन आ कहाँ से रही है? ये रही, ये रही। तो गाइस इसी ट्रेन की वजह से हम लोग बहुत ज्यादा लेट हो रहे हैं, टाइम क्या हो गया? 4:47। तो गाइस मोहित जी कुछ बोलना चाह रहे थे, ट्रेन से क्या हो गया, मूड क्यों खराब हो रहा है बाबू? मेरे इधर देख के बोलो, क्या बोले वो, कुछ तो बोलो। टाइम हो गया 5 और 8 बजने में रहेंगे सिर्फ 3 घंटे। 8 बजे की क्यों बोला आपने? आप पहुंचेंगे, सबसे मिलना है। ओके किच्ची। तो गाइस अभी तक नहीं पहुंचे, बहुत ज्यादा थकान हो रही है सीरियसली। 200 किलोमीटर है बस हो जाने, 225 और अभी तक हम लोग वहां पर नहीं पहुंचे, इतनी थकान हो रही है, पता नहीं कब पहुंचेंगे। बहुत ही ज्यादा टट्टी रोड थी सीरियसली, बहुत ज्यादा गंदी रोड थी। अभी भी कम से कम 50 से 60 किलोमीटर अप्रोक्स रह गया है, देखते हैं कब पहुंचेंगे। पेट्रोल भरवाने आए, खत्म हो गया था। तो गाइस फाइनली हम लोग उजानी नहीं पहुंचे अभी तक, अभी भी काफी दूर है, रास्ता भटक गया। फाइनली हाईवे आ गया है 5 घंटे के बाद, अभी तक उजानी नहीं आया पर हाईवे आ गया है। भाई कैसा लग रहा है? एक उम्मीद थी कि जाएंगे पर आएंगे नहीं गाड़ियों से। इस पेट्रोल पंप पे रुके हैं यार, ये सुसु गए लोग। हम पहुंचे, बहुत ही ज्यादा, बहुत बड़ा जाम लग रहा था, ऐसी गंदी वाली थकान हो रही है अब तो भाई। हमारी धन्यो ने हमारा पूरा साथ दिया आज जाम में, पर सच में बहुत ज्यादा थकान हो रही है। अब जाएंगे शायद पार्टी वार्टी, यहाँ बढ़िया टॉप हुक्का हुक्का मारेंगे, पार्टी वार्टी करेंगे शानदार, खाएंगे पियेंगे। सबसे पहले तो तोड़ खाना है, मेरे को बहुत ज्यादा भूख लग रही है, फिर देखते हैं क्या होता है। फिलहाल यहाँ से निकलते हैं, पेट्रोल वेट्रोल डल रहा है। तो गाइस अब जाके हमें ये फाइनली हाईवे मिला है,
जिसका हम बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, बहुत सालों से इंतजार कर रहे थे, गलियों में जाके गाँव में जाकर, पता नहीं कौन कौन सी गलियों कीचड़ों में, आज हमारी वैगनर, आज हमारी इस वैगनर ने साथ नहीं छोड़ा। फिर भी भाइयों के फोन लगातार आ रहे हैं, आपको आवाज आ रही होगी, पर हम उनको उठा नहीं रहे। क्या करें, शुभम हंस थोड़ा सा फेक हंसी तो दिखा, ऐसे के कुछ तो दिखा शुभम, हेलो अगली बार आएंगे तो ट्रेन से आएंगे, कार से नहीं आएंगे। मूवी भैया तुम्हारी शादी में भी नहीं आएंगे। अरे आप 34 किलोमीटर लेफ्ट ओनली। भैया मैं तो नहीं आऊंगा सीरियसली, अब सुनो हम आएंगे, शायद ट्रेन बनवानी पड़े। 18 किलोमीटर भैया आज के बाद ओझानी नहीं आएंगे, ट्रेन से आएंगे, सुबह 2 बजे के चले हुए हैं, अभी तक नहीं आए। बोल भूमि भैया की जय, बोलो बोलो भूमि भैया की जय, बोलो लीजा मैडम की जय, लीजा मैडम की जय, लीजा दीदी, लीजा आंटी की जय, चेहरे बदल जाते हैं लोगों के। शुभम की गर्लफ्रेंड का फोन आ गया है, वो पीछे बिजी है। तो गाइस हम लोग फाइनली पहुंचने वाले हैं ओझानी, यहाँ से सर में दर्द हो गया, अभी तो कुछ आ नहीं आया, यहाँ से 18 किलोमीटर और रह गया, टाइम कितना हो रहा है, 2 मिनट हो जाए डन भाई, ये नंबर, अरे बहुत बढ़िया, अच्छा टाइम क्या हो रहा है मोहित, टाइम हो रहा है घड़ी बज गया 8:20, तो गाइस 8:20 फोन आ गया, 8:30 बज रहे हैं, अभी तक हम ओझानी पहुंचे और भरतपुर से हम लोग चले थे 2 बजे, इतना लंबा रास्ता ओझानी का। अब आप पहुंचेंगे, फ्रेश फ्रेश होंगे, आराम से लोअर ओवर डालेंगे, ट्रैक सूट डालेंगे, हुक्का पार्टी करेंगे, कैसे मजे करेंगे गाइस। फाइनली वी रीच्ड, हम लोग पहुंच गए हैं, 200 किलोमीटर 6 घंटे लग गए ड्राइव करने में, मतलब पहुंचने में, यहाँ पर बहुत ज्यादा थक गए हैं, अब ऊपर देखते हैं क्या है क्या नहीं है। ये मेरे 2 लड़के लोग हैं, बैग वैग के लिए लगा रखे हैं मैंने, छोटू बैग ले जाओ बेटा, पैसा तो दो, पैसा तो दिया नहीं आपने, देंगे बेटा देंगे, छोटू काम अच्छे से करना बेटा, पेमेंट चाहिए तो, 100 रुपए टिप मिलेगा क्या, 200 दूंगा बेटा जाओ ऊपर, 100 रुपए दे दो, मेरे पास खुद पे तो है नहीं अभी। तो गाइस फाइनली हम अपने रूम में आ गए हैं, हम लोग ओझानी एक्चुअली बहुत ज्यादा लेट पहुंचे थे क्योंकि रोड वगैरह बहुत ही ज्यादा बेकार थे, और हम लोग ओझानी आए थे लगभग 8 बजे और 225 किलोमीटर था सिर्फ, उसमें हम लोगों को कम से कम 5-6 घंटे लग गए, बीच में 2-3 बार मेरी लड़ाई भी हो गई थी जाम वाम में इन सब में। तो अभी इधर आए हैं, जिन दीदी की शादी थी उनकी फैमिली से मिल ली, दीदी से मिल ली अच्छी तरह से, बहुत बढ़िया मजा आया, मिलके भी काफी टाइम बाद मिले थे, काफी टाइम बाद का मतलब 2-3 महीने बाद। अब पार्टी वार्टी इनकी उधर चल रही है, मैं इधर बैठा हूँ रुद्राक्ष जारी, कोई गलत ऐप नहीं है मेरे में, ना थे ना है, तो मैंने सोचा अपनी फैमिली से बात कर लेते हैं, बहुत टाइम से बात भी नहीं करी भाई, 20-22 दिन बाद मेरा व्लॉग आने वाला है, ये भी नॉर्मल ट्रेवल व्लॉग होने वाला है, बाकी बहुत ही प्यारा और मेन जो धमाकेदार आने वाला सीरीज आने वाली बहुत जल्दी, उसमें आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, बहुत मतलब मैं हिंट नहीं दूंगा, बस कुछ दिन और सबसे बड़ी बात मेरा शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी चल रहा था, इस चक्कर में मैं व्लॉग नहीं ला पा रहा था, फिर बीच में तबीयत वगैरह भी थोड़ी खराब हो गई थी, देन आरती की शादी आ गई, उसको भी भगाना पड़ा, जा जा वो भी गई, वो फिर आ गई परसों पर, तो अब वो जानी आए, यहाँ का ट्रेवल व्लॉग एक आध दिन में मैं डाल लूंगा, बाकी आप छोड़कर मत जाना 20-22 दिन हो गए तो भी। और कुछ लोग ये बोल रहे हैं फालतू, मतलब इधर उधर क्या कि 20-25 दिन हो गए व्लॉग, अब चैनल डाउन होता जा रहा है इसका वगैरह वगैरह ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी मतलब क्यों यार, जैसे मैं मेहनत कर रहा हूँ ऐसे आप कर रहे हो, महादेव जी मेरे साथ आपको भी बहुत ऊपर लेके जाए, मेरे से भी ऊपर लेके जाए, पर किसी और के बारे में बोलना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और रही बात चैनल डाउन की, तो मुझे मेरे अपनी मेहनत के ऊपर मतलब अपनी मेहनत पर विश्वास है पूरा, और महादेव जी पे, और वैभव अरोड़ा का चैनल नहीं हो या कुछ भी हो, इस जन्म में तो वैभव अरोड़ा डाउन जाने से रहा, ये चीज अपने दिमाग में अच्छे से डाल लीजिए, बाकी का व्लॉग बहुत प्यारे प्यारे आने वाले हैं,
अप एंड डाउन आते रहते लाइफ में, वो और जरूरी भी है बहुत ज्यादा, है ना। तो मजा आएगा अगली वाली सीरीज में, तो सोचा मैं आप सबको ये सब बता दूं। अब हम अगला मतलब सुबह का रूटीन क्या होगा क्या नहीं होगा मैं आपको कल ही बताऊंगा। बस अब थोड़ी देर में सोने चले, पहले गेड़ी मार के आएंगे अच्छी सी रोड पर, चाय पी के आएंगे। आज तो मैंने सुबह से एक भी चाय नहीं पी, सर में बहुत गंदा वाला दर्द हो रहा है, डिनर भी अभी किया है जस्ट। तो अब चलते हैं, गेड़ी वेड़ी लगा के आते हैं। मैंने सोचा आप लोगों से पहले बात कर लेता हूँ, बहुत टाइम से बात भी नहीं हुई, आप भी थोड़ा थोड़ा भूलने लग गए होगे, बट भूलना नहीं है भाई को, कभी भी नहीं भूलना कभी भी। बहुत प्यारे प्यारे ब्लॉग्स आएंगे, कंटेंट एक से एक लाता रहूंगा ऑलवेज, साथ रहना बस। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, या तो सीधा सुबह, बाय बाय। तो गुड मॉर्निंग गाइस, फाइनली हम लोग उठ चुके हैं, और टाइम कितना हो रहा है अभी? टाइम घड़ी नहीं है, घड़ी टाइम क्या हो रहा है शुभम? बढ़िया हो रहा है, ये नींद में अभी भी शुभम बढ़िया नींद में टाइम हो रहा है 8:53। तो हम लोग ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं, और शादी भी यहाँ से काफी दूर है, 60-70 किलोमीटर, उधर जाना हम लोगों को। अभी रेडी वेडी होंगे फिलहाल, तो नॉर्मल कपड़े पहन के इधर उधर जाएंगे, पहले गाड़ी में डीजल डलवा के आना है, डीजल नहीं पेट्रोल, गरीबों वाली सीएनजी डलवा के आनी है, उसके बाद चल रहे हैं। सूरज मामा भी बहुत ऊपर आ गए, अब हम लेट उठे हैं बहुत, चेहरा भी गोरा गोरा सा हो रहा है, बड़ा सुंदर दिख रहा हूँ मैं काफी आज। तो गाइस इसमें पेट्रोल भी और सीएनजी भी दोनों डलवा के आनी है, जय श्री महाकाल, ओम नमः शिवाय। तो चलते हैं अब। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम वैगन आर क्यों लेकर आए हैं आज, मतलब सिटी क्यों नहीं लेके आए? तो सिटी एक्चुअली मेरा कजन लेके आया एक दिल्ली, तो वो 3-4-5 दिन के बाद लौटेगा। वो बहुत ज्यादा जिद कर रहा था कि मेरे को सिटी लेकर जानी है, तो हमने कहा कि चल कोई बात नहीं ले जा, इसलिए हम लोग वैगन आर लेकर आए हैं। सिटी दिल्ली गई है, वैगन आर रोजानी आ गई। गाइस अभी थोड़ी धूप की वजह से अच्छे नहीं दिख रहे हम, अभी ना धोले, वेरी स्मार्ट है तू, फिर दिखेंगे हम। वैसे भी हमारी ऑडी बहुत साथ दे रही है हमारा, आज हमारी जेब का सीएनजी फुल हो चुकी है, सीएनजी फुल हो चुकी है, एक डंडा कम हो गया है, एक डंडा कम। तो गाइस हम लोग बहुत ही ज्यादा बोर हो रहे हैं अभी फिलहाल, हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है, छोले भटूरे और क्या क्या था, कचौड़ी भी थी और जलेबी भी थी, तो खाना वाना मतलब ब्रेकफास्ट हो गया है सॉरी, अच्छे से खूब जिके, पूरी डंडी भर गई है, बहुत ज्यादा बोर हो रहा है, नींद आ रही है, कल रात जेब में थैली भर ली मैंने भटूरों की, अब बहुत ज्यादा बोर हो रहे हैं हम लोग, अब रात को क्योंकि लेट सोए थे इसलिए नींद भी आ रही है, रात को लेट इसलिए सोए थे क्योंकि लेट सोए थे भाई, कल तो आप कल हम मरते मरते बचे हैं, मैंने वीडियो डाली थी ना जो संदूक से बाहर निकल के, वो वाली गाड़ी कल पलटते बची है, सच में कल हमारी जिंदगी का लाश होता, वेब ब्लॉग्स का ओनर कोई और होता। इधर यहाँ बेटा, आप वीडियो में जाएं, वीडियो में जल्दी आओ जल्दी आओ। तो गेरा जी और मैं यहाँ पर लेटे हुए हैं, कैसा फील आ रहा है गेरा जी? फीलिंग सो टायर्ड। तो गाइस बोल रहा हूँ जाने का प्यारा सा महादेव जी का मंदिर, बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रही है सर में, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है क्योंकि कल रात भर नहीं सोए, अब नीचे रेडी वेडी होने का टाइम हो गया, अब नहाने धोने का, अब सीधा अपन लोग निकल रहे हैं जहाँ पर फंक्शन है। कैमरे को क्या हो गया? अब हुआ है कैमरा ठीक। हेलो हेलो फैम, दीदी दीदी से हम फिर मिल चुके हैं,
कई सालों बाद दीदी कैसा लग रहा है, दोबारा आ जाओ एक बार। फेक था रियल था। अच्छा कुछ बोलो, कहाँ जा रहे हैं हम? तो आप इनका ऐसे कपड़ों में जा रहे हो? कपड़े नहीं आपके पास? अरे देखना जब वो अपने कपड़े पहनेंगे तो कैसे लगेंगे। अंत हो जाएगा। क्या आवाज है, वाह क्या कारीगरी है। मुस्कुराइए अपनी सुंदरता। आप वेगनार में है? दीदी आपकी आवाज कितनी प्यारी है, बहुत जरूरत से ज्यादा। खड़कनी खड़ूस, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो गाइस फाइनली हम लोग आ गए बिंदल फार्म हाउस, जो सिटी में है। सिटी का नाम भूल गया, वो जाने से लगभग 60-65 किलोमीटर आगे था। भाई लोगों का वेट कर रहा हूँ, बस 8-9 बजे चेंज करेंगे हम लोग, देन आगे का दिखाऊंगा आपको। ये यहाँ की एंट्री प्यारी सी, तो गाइस कुछ इस तरह से डेकोरेशन की है इन्होंने, बहुत ही ज्यादा प्यारी। काश मेरी शादी में भी इससे प्यारी डेकोरेशन हो, लिटरली बहुत ज्यादा प्यारा फील आ रहा है इधर चल के। ये सेल्फी पॉइंट बनाया है इधर, लोग गार्डन आए हुए हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है दीदी की शादी में। और आने वाले टाइम की हमारी दुल्हन है, एक आध साल में शादी हो जाएगी, इनको भी भगा देंगे हम। एक साल में शादी हो जाएगी, जैसे आरती को भगाया है, दीदी को भगा दिया, ऐसी लीजा दीदी को भी भगा देंगे। और ये मेरी शादी में शायद आएगा, क्योंकि इससे मुझे बहुत इरिटेशन है। हाँ तो दीदी मजा आ रहा है शादी में? कितना खाया आपने? कितना खाया आपने? इतना कौन खाता है पर? अच्छा आपकी भी शादी होने वाली है सुना अगले साल, शादी होने वाली है इसी गार्डन में। ठीक है ठीक है। अच्छा ये लाइन रिपीट, मैंने सुना आपकी भी शादी होने वाली है कुछ टाइम बाद। किससे होने वाली है? लड़के से? सैया जी का नाम कौन? बहुत खुश हूँ, और ये बहुत ही इरिटेट करता है मुझे। और इसने कहा था कि शादी पे नहीं आएगा, पर ये आ गया, इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। जब मैं इसकी तरफ देख के बोलती हूँ तो बोलता है कि मेरी तरफ मत देखो, उधर देखो। एक बार कर दो। अरे दीदी सच में बता, श्री विष्णु, अरे इधर तो देखो, आज ओम बैठो, ओम अपना तो पाप है, अच्छा पाप है, भैया जल्दी ओम श्री विष्णु ग्यारह बार पहले 11 रुपए रखो, खुशी के लिए 11 रुपए रखो। अरे देखो भैया ने भी कह दिया करना है ना, जो करना है ना, चलो ये तो कांटे वाला पेड़ हो रहा है।
Okay.